हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में ये ग्राफ बनाना बता रही हूँ। ये कुर्ती का योग बनाया था मैंने लेसन 25 में, इसे उसी का ग्राफ मैं सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रही हूँ। तो मैंने हमेशा बताया कि मैं अपना चेक पेपर बना के सिंधी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, जिसमें एक तरफ वी शेप वाला उरेब में चेक है और दूसरी तरफ मेरा सिंपल चेक है, मतलब सिंपल आड़ी लाइन तिरछी लाइन वाला, मतलब सीधा सा चेक है। तो उसी को मैं यूज़ करके आज आपको ग्राफ पेपर बनाना बताती हूँ, मतलब कोई भी डिज़ाइन का योग कैसे बना सकते हैं इसको बता रही हूँ। सबसे पहले ये मेरा A4 साइज का पेपर है और मुझे इसकी लंबाई चाहिए 17 इंच, योग की, मेरे योग की लंबाई मुझे 17। तो मैंने कुछ पेपर, मतलब 5 इंच 6 इंच का जितना भी मुझे चाहिए, ये मैंने 5 इंच का जोड़ लिया है ऊपर में, ताकि मेरी इसकी लंबाई पूरी हो जाए। और ये A4 साइज का पेपर है, इसकी चौड़ाई मेरी है 8 इंच हो रही है, तो इतने में ही मैं इसको बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें कुर्ती का योग बनाएंगे, पहले हम कुर्ती का योग के लिए नेक बनाएंगे। तो मिडिल का एक निशान लगा लेते हैं, मोड़ के, ऐसे मोड़ के आप एक मिडिल में निशान लगा लीजिए पेपर का। तो मैंने इसको लगा के रखा है मिडिल का निशान। और उसके बाद आपको जितना भी नेक चाहिए इसका, कुर्ती का नेक, जैसे कि ये मिडिल से ले के इस साइड तक मैंने 3 इंच रखा है, क्योंकि मेरी मैं जो कुर्ती का गला बनाना है मुझे 3 इंच का रहना है, 2.5 इंच रखना है, लेकिन 1/2 इंच हम सिलाई के लिए रखते हैं। तो 2.5 इंच हमारा ये कुर्ती का गला होता है, प्लस 1/2 इंच हम सिलाई के रखेंगे, तो हम टोटल 3 इंच का ये चौड़ाई रखेंगे। तो ये हाफ में 3 इंच है, यानी कि टोटल हो गई 6 इंच, है ना, ये हो गया। और लंबाई में आप जितना भी चाहते हैं उससे 1/2 इंच बढ़ा दीजिए। तो मैंने इसको 7.5 ही रखती हूँ मैं हमेशा लंबाई, तो मैंने 7.5 रखा है। और इसके बाद यहाँ पर मैं ट्रायंगल गला बना रही हूँ, मतलब नीचे से मैं 1/2 ट्रायंगल दूंगी, तो मैं ये 2.5 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे मैं ये इसको ट्रायंगल कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो गले का शेप होगा ये इस तरह से आएगा, ये वाला गला, ठीक है। ये हो गया नेक। अब नेक के चारों ओर हमें सिंधी एम्ब्रॉयडरी का एक बॉर्डर पैटर्न देना है। तो हम नीचे से ये, इसमें हमें बॉक्स काम नहीं आएगा नेक के गले में, तो नेक के गले में हम जो भी पैटर्न देंगे एक सिंपल सा अपने हाथ से ही बना के देंगे, क्योंकि इसमें तो सिंधी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न काम नहीं आएगा, चेक काम नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, जितना हमें जहाँ पर यूज़ हो सके हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, और जहाँ नहीं हो रहा वहाँ अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे। तो ये एक पैटर्न बनेगा सिंपल सीधा सा पूरे चारों नेक के साइड में। अब हम यहाँ पर 3 बॉक्स छोड़ देंगे, ये मिडिल से लेके 3 बॉक्स छोड़ के हम अपना सिंधी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बनाएंगे। तो ये वाला सिंधी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बना रहे हैं, ये देखिए, ये एक हम 3 बॉक्स छोड़ के सिंधी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बना लेते हैं, ये, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पैटर्न मैंने उस दिन बनाया था वही पैटर्न को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो वो पैटर्न के लिए ये यहाँ एक और आगे बढ़ के ये आड़े में 7 बन जाएगा, ये वाला पूरा, ये मिडिल में एक और ये 3-3 इस तरफ, और फिर इसका यहाँ पर 1-1, और ये नीचे भी, ये आप इतना बना लिए। फिर अगर आपसे ऐसे ही बन जाए तो आप ऐसे करिए, नहीं तो आड़ा करके फिर इसको, ये देखिए, ये 7 होना चाहिए, 1 2 3, ये 4 5 6, ये 7, इधर भी हम 7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको भी हम अब यहाँ पर एक छोड़ के ये करा हमने, ये छूटा हमारा यहाँ पर, और ये जो मिडिल है 1 2 3, इसका मिडिल में हमारा एक सिंधी एम्ब्रॉयडरी का ये वाला पैटर्न बन जाएगा, ये वाला, ये पैटर्न, यहाँ भी इसका मिडिल में 1 2 3 छोड़ के यहाँ से भी 3, तो ये मिडिल में हमारा ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी का एक पैटर्न बनेगा। ये
बन गया। अब इस तरफ हमें उसी तरह का पैटर्न इधर करना है, तो ये वाले को इसको पूरा कंप्लीट कर देते। यहाँ पर एक आ गया बॉक्स और फिर यहाँ पर एक बॉक्स आ गया ये। अब ये भी इसको भी कंप्लीट करेंगे हम, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और मिडिल में हमारा एक सिंधी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा सिंधी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चारों साइड से एक बॉक्स वो बना देंगे, बॉक्स ये। हम इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बड़े पैटर्न बनाने के लिए ये बहुत सही है। हाँ, हालांकि ये सर्कल वर्कल में काम नहीं आता बॉक्स पैटर्न, ये वाला मेरा ग्राफ, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी हद तक ये सुविधा हो जाती है। ये देखिए, इसके बाद एक और ड्रॉ कर देते, जो हमने काथा वर्क से किया था उसी को एक पैटर्न और बना देते। ये एक लाइन, डबल लाइन हमने बना दी ये। यहाँ भी ठीक है, ये आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, दोनों लाइन ये जो बनी है, इसको हम आगे नीचे तक ले जाते हैं पूरा लास्ट तक, ताकि हमें एक ट्रायंगल का नीचे शेप जो मिलना है वो मिल जाए। इसको भी यहाँ तक नीचे तक कर देते हैं ये। ये देखिए, अब इसके बाद फिर हम एक बॉक्स छोड़ के एक सिंधी एम्ब्रॉयडरी का कुछ भी जो भी इस ट्रायंगल में फिट आ जाए वैसा एक पैटर्न बना देते हैं। ये देखिए, ये एक बना, फिर इसके बाद में इसको एक एक गैप करके एक और, तो क्योंकि मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर से इसको वही उसका हाफ ट्रायंगल बना देती हूँ। यहाँ पर ये बनाया और यहाँ पर एक छोड़ के एक बना दिया। अगर इसको मैं चाहूँ तो आगे बढ़ा सकती हूँ, एक और इसको बना सकती हूँ, और ये मेरा ये नीचे मोड़ने के लिए स्पेस है, बाकी ये वाला इतना, तो मेरा ये एक ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसके साइड बॉर्डर कर देते। साइड बॉर्डर हम कहाँ से लेंगे, ये वाला जो हमारी ये कॉर्नर बना है, यहाँ से हम इसका एक साइड लाइन कर देते हैं ये यहाँ भी, और फिर थोड़ी सी दूर में जितनी दूरी का ये वाला है योग उतनी दूरी में हम डबल काथा करेंगे, मतलब ये, तो इस तरफ भी वही करेंगे, ये एक साइड लाइन करें ये और फिर दूसरी दूरी पे इतना। अब देखिए, हमें ये स्पेस खाली मिल रहा है दोनों, तो चाहे यहाँ पर हम हाफ सर ये ट्रायंगल बनाएं या कुछ और बनाएं, लेकिन अगर यही बनाएंगे तो हमारा बहुत हच पच हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मिडिल से मिडिल में यहाँ तक मिडिल ये इससे देखेंगे, ये कोने के यहाँ से ये हम एक हाफ सर्कल कोई पैटर्न बना देंगे, यहाँ पर हाफ मिरर वर्क कर सकते हैं, और फिर एक छोड़ के हम यहाँ पर सिंधी एम्ब्रॉयडरी का एक पैटर्न बना सकते हैं। बस ये सारे डिज़ाइन मैं अपने मन से ही बनाती हूँ, और ये जगह खाली दिख रही है तो यहाँ पर मैंने एक छोटे बॉक्स पैटर्न को जगह फिल करने के लिए बना दिया। बस आपको कई जगह बराबर बराबर रखनी है, ताकि आपका ये जो मोटिफ है काफ़ी हद तक समान दिखे। ये हाफ सर्कल हो गया, ये मिडिल की लाइन ली, यहाँ पर से हमने एक सिंधी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बना दिया। जो भी बनाएं आप बराबर से नाप के बनाएं। अच्छा, जब भी आप कार्बन करें, इसका एक पैटर्न यहाँ बन गया और फिर ये बन गया, यहाँ पर बन गया, तो ये एक आपको पैटर्न समझ आ गया। अब जब भी आप इसको सिंधी एम्ब्रॉयडरी को कार्बन से करते हैं, तो कार्बन करते समय बहुत सावधानी ये रखें कि ये बहुत बड़ा पैटर्न है। अगर आप कहीं से भी इसको कार्बन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं इस कपड़े पर आपको कार्बन रख के बता रही हूँ, ये ट्रेस करने के लिए ये यहाँ रखें आप कार्बन, और इसको ये रखें। आप समझ लीजिए कि आप कच्चे टाका कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं अपनी पेंसिल वहाँ से हिलाइए मत, मतलब वहाँ से उठाइए मत, हिलाइए तो उठाइए मत, यहाँ से जैसे वन नंबर से आप शुरू कर रहे तो ये यहाँ से लेके कर यहाँ, फिर ये जैसे आप कच्चे टाका लेके जाते जहाँ तक की लाइन जा रही है, ये देखिए ऐसे वो, बस आपको पूरा लास्ट वैसे ही घुमा के, देखिए मैं करती जाती हूँ तो आप समझते जाएंगे, तो आपका एक भी बॉक्स की लाइन छूटेगी नहीं,
कि अरे ये तो छूट गया, कार्बन हुआ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, ये मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, पर इसको आपको फिल करके बता देती हूँ। देखिए मैं लाइन हाथ उठा नहीं रही हूँ, बस मैं जैसे अपन कच्चे टाका करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से मैं लास्ट यहाँ तक ले आई, और अब मेरा ये पूरा पैटर्न फिल हो गया होगा। लेकिन ये जो हमारा अलग से एक बॉक्स जाएगा, इसका हुआ नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान से उसी समय करें। ये जो चारों साइड वाला, हम दो बार में जैसे सिंधी कढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें दो बार ही ये वाला ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आप देखेंगे तो ये ट्रेसिंग में पूरा आ जाएगा, ये पूरा ट्रेस आया। तो इस तरह से आप ट्रेस करिए कि सोचिए कि कच्चे टाका कर रहे हैं, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ तक आखिरी तक पूरा बना लें। और अगर ये डबल वाला पैटर्न है कि दोबारा एक और बनाना है, तो उसको ध्यान रख के फिर आप ट्रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी काम करे, तो आप इसको बनाइए और कोशिश करिए कि अपने डिज़ाइन खुद बनाएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटिए और खुश रहिए।